हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पार्टी पॉपर। तो जिसकी भी बर्थडे आने वाली है तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। तो आज हम बनाएंगे पार्टी पॉपर। उसके लिए आप लीजिए कोई भी वेस्ट बॉटल, वो ड्रिंक्स फ्रूटी और जूसेस की होती है वो बॉटल लीजिए, उसका रैपर उतार के और उसका कैप निकाल दीजिए और उसको वॉश कर लीजिए लाइक दिस। अब हम इसका नीचे से ये कट कर लेंगे लाइक दिस। अब हम इसकी बॉडी को कलर करेंगे। मैं यहाँ पे ब्लू कलर कर ली हूँ, आप कोई सा भी कलर कर सकते हो एज योर विश। हमें यहाँ पे पूरी बॉडी में करना है ताकि ट्रांसपेरेंट ना लगे और थोड़ा अच्छा लगे। अब हमने इसको पेंट कर लिया है पूरा ब्लू कलर का। अब हम इस पर थोड़ा डिज़ाइन बनाएंगे ग्रीन कलर से, डॉटेड पैटर्न लाइक दिस। हमें ऐसे ऐसे यहाँ पे डॉट्स बनाने हैं। आप कोई से भी पैटर्न बना सकते हैं एज यू विश, क्योंकि लगना चाहिए पार्टी जैसा, इसलिए हम इसको ऐसा कलरफुल बनाएंगे। आप चाहे तो बैकग्राउंड में थोड़ा लाइट कलर कर सकते हैं जिससे डिज़ाइन दिख जाए। अब हमने ग्रीन कलर से बना लिए थे, अब हम बनाएंगे रेड कलर से। रेड कलर बहुत ज़्यादा चमक रहा है इस पर, क्योंकि थोड़ा ब्लू पे ब्राइट कलर ज़्यादा चमकता है। आपकी विश, आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी पैटर्न डिज़ाइन। अब हमारा पूरा ये हमने कलर कर लिया, लेकिन थोड़ा इसको टचअप करने के लिए हम यहाँ पे एक ब्रश पे लेंगे वाइट पेंट और एक दूसरा ब्रश लेंगे और लाइक टैप 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 करेंगे और ये छोटी छोटी डॉट्स इस पर आ जाएंगे। अब जो हमें वाइट पेंट करना था वो भी मैंने लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए हम इसकी बाउंड्रीज पर लगाएंगे टेप। अब हम इसमें लगा देंगे सिल्वर टेप। मैंने इस पे टेप लगा लिया है, अब मैं इसको कट कर दूंगी। ये देखिए, अब हमारा पूरा पार्टी पॉपर का बेस रेडी हो गया है। अब मैंने एक बैलून लिया है, उसकी ऊपर से उसको ऐसे कट कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पीछे यहाँ से लाइक दिस। सो जब हम इसको खींचेंगे तब ये उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पार्कल टाइप से निकलेंगे। तो इसको हम ना टेप से सिक्योर कर देंगे, जब ये खींचे तो निकले ना, क्योंकि अब हमने इसमें टेप लगा लिया है और जब हम इसको खींचेंगे तो इसके अंदर से बहुत सारे सामान निकलेंगे। हमारा पॉपर बन गया है। अब हम बनाएंगे जिस जो इसके अंदर डालेंगे और उड़ाएंगे। तो उसके लिए आप कोई भी पेपर ले सकते हैं वाइट कलर का, जो आपका यूज़ नहीं हो, इस पर कुछ भी लिखा हो वो भी ले सकते हैं, पर मैंने ले लिया है। आप लिखा वाला भी ले सकते हैं और लाइक दे से छोटे छोटे यहाँ पे पेपर कट कर लेंगे। लोग कलरफुल पेपर यूज़ करते हैं इसके लिए, बट मैं आपको खुद ही बनाना सिखा रही हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं वो पेपर, और ज़्यादा रुपए भी नहीं लगेंगे उसके लिए। लाइक दे हम काट लेंगे। अब हमने पेपर काट लिए है, अब हम लेंगे रेड फूड कलर। मैंने यहाँ पे ड्राई वाला लिया है, मैंने लिक्विड नहीं लिया, आप ड्राई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने फूड कलर लेना है और इसके अंदर मिक्स कर देना है। अब इसमें हम डाल देंगे वाटर। मैंने ज़्यादा वाटर नहीं डाला, ये देखिए रेड कलर आ गया। जैसे मैंने वाटर डाला इसके अंदर रेड कलर आ गया। आप पेपर की क्वांटिटी और रख सकते हैं। अब इसको हमें सुखाना है। आप चाहे तो इसको धूप के नीचे या फिर पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। ये लगभग कुछ घंटों में सूख जाती है, लाइक 24 आवर्स में सूख जाएगी। वो पानी की क्वांटिटी के ऊपर है। अगर आपने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ली है तो टाइम लगेगा सूखने में, अगर कम ली है तो टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा सूखने में। लाइक दिस आप कितने भी कलर के बना सकते हैं। मैंने रेड बनाया। अब वो कलर सूख गया है जो मैंने बनाया था रेड कलर, ये देखिए पूरा सूख चुका है। और ये मैंने एक और कलर बनाया है ग्रीन कलर, लाइक देखिए
कितना अच्छा लग रहा है, कलर आ गया है। आप इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लू भी दिख रहा है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर भी ऐड कर दिया था। जैसे लोग टॉफीज खाते हैं, चॉको चिप्स खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, तो कुकीज़ वगैरह के रैपर्स होते हैं, आप वो भी काट के डाल सकते हैं अगर आप नहीं बनाना चाहते ऐसे। तो हमारे ये दोनों भी बन गए हैं, अब हम इसको पॉपर के अंदर डाल के उड़ाएंगे। पॉपर में पहले डाल ली हूँ थोड़े से रेड वाले एंड थोड़े से ग्रीन, और थोड़े से और डाल लेते हैं, और दोनों मिक्स हो जाएंगे, अब हम इसको उड़ाएंगे। अब टाइम है उड़ाने का, 3 2 1 एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।